यहाँ पे हमारा टोलू मोलू जा रहा है, हमारा दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा कि टोलू मोलू को जाने दे। ये टोलू मोलू रोने लग गया। यहाँ पे सब जो है ना खड़े हैं और गाड़ी जो है ना वो आ गई है, अम्मी भी खड़ी है और हम सब तो अभी हम करने लगे थे दुआ क्योंकि खुदा खैर करे के रास्ते में खैर खैर से जाएं और खैर खैर से अपनी मंजिल पे पहुंचे, तो अभी करते हैं इन सब के लिए दुआ। चलो जी खुदा खैर करे आप खैर खैर से जाएं और खैर से घर वापिस आए। अब्बू रोने लग गया, बाजी जास गया, अब्बू को तो मिलो, अब्बू परेशान हो जाते हैं। चलो आप खैर से जाओ और खैर से वापिस आओ। खुदा खैर करे चुंबी तो कदे रही राडी चुंबी झूठा होवे होवे हमरा टोलू रोन वाजे चलो अम्मी नाने को तो मिल लो। नाना भी रोन डे। चलो भाई मेरी मोटी रोन डी। तो फाइनली गाइस ये सब चले गए जा रहे, इसका पीछा कर रहे और ये चक्कर बहुत है। तो ये जा रहे आगे, मम्मा लोग आगे जा रहे, मम्मी लोग यहाँ पीछे पीछे, वो हमारा इसका सामने ही खड़ा हुआ है। हम इनको अल्लाह वाली सर्च करने जा रहे हैं, इनको भगाने जा रहे हैं, भगाने। तो गाइस यहाँ सब मिला मलाई हो रहा है, नानो हो रही, मम्मा रोने लग गई है, पापा भी है, वो भी सब वही है। रिश्का हमारा वो आगे जा रहा है और ये सब यहाँ खड़े हुए, और वो मम्मी सनिया भी आ गई है। तो पापा की और मम्मी की मिला मलाई होने लग गई सब। आप जाओ खैर से, जाओ जहाँ भी जा रहे हो खैर से, जाओ जाओ। सुमन, ए सुमन, हम आपका इंतजार कर रहे। सुमन कहाँ? रोन लग गई थी। चलो जी जाओ खैर खैर से और खैर खैर से वापस। जी तो गाइस फाइनली हम लोग जो है ना उन्हें रुखसत करके आ गए हैं, तो खुदा खैर करे के खैर खैर से वो जहाँ जा रहे हैं जाएं। और घर देखो कैसे सुना सुना लग रहा है, क्यों हैरिसन? अजीब लग रहा है, उठाओ। और यहाँ पे अम्मी भी है और बाजी निशा भी है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? रो क्यों रही हो? मुझे भी अजीब सा लग रहा है। अब फ्रिज जो है ना अपनी मर्जी से खोलेंगे। चलो बाजी शाद गया, चल गया, फ्रिज अपनी मर्जी से खोलेंगे, अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी करेंगे। और भाई अर्शद जो है ना हमसे मजाक कर रहे थे, क्यों बाजी? इधर आओ जरा, हंसी मजाक कर रहे थे। वो कह रहे थे अम्मा को कि अम्मा फ्रिज नु हाथ नहीं किसे लगान देना, मोटर नु हाथ नहीं लगान देना, निशा नु लगान देना मोटर नु हाथ। मैं कहा निशा लगाए मैं लगाए एक ही गल है, क्योंकि पानी तो उधर ही जाना है ना। तो वैसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और अभी हम मिले और मुझे कह रहे थे कि बच्चों का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। चलो खुदा खैर करे करे, अब यहीं बैठना है। इंतजार किसका कर रही हो? बाजी दा। बाजी दा हुण दो हफ्ता इंतजार ना करी, दो हफ्ते बाद आए है। हाँ लेने जाएंगे हम, खुदा खैर करे। खैर खैर से जिस काम के लिए गए वो काम हो जाए, सही है। तो अभी हम काम वाम करते हैं और यहाँ से भी मिलके करते हैं, सही है। सुमन के आने से पहले हम काम वाम जो है ना जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। अभी मैं उधर से करके आते तो फिर इधर से जल्दी जल्दी करते। आओ जरा उधर चले। तो जी तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर। तो घर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मतलब बिखरा हुआ है। और यहाँ पे आंटी बना रही थी नाश्ता और अभी हम जो है ना खाना वाना मतलब खाना वाना करें, काम वाम करने लगे हैं। यहाँ पे बन गया नाश्ता और अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्यों आंटी बना लिया आपने नाश्ता? तो मैंने तो सुबह ही बना लिया था, मैंने और शहजाद ने। और अब मैंने किया
और यहाँ पे शहजाद सो रहे हैं और मैंने जो है ना क्या उसका नाम अभी काम वाम जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ। और मैंने भाभी को पता क्या बोला, भाभी किधर गई है, मैंने आपको ये बोला कि आप और मैं आज तीनों घर की सफाइयां जो है ना मिल के करते हैं, सही है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर हम जाएंगे फकीरा सब्जी लेने के लिए, और पहले करते हैं हमारे घर की, फिर करते हैं आपके घर की, फिर करते हैं सुमन के घर की, सही है। तो गाइस ब्लॉग साथ चल रहे, साथ बने रहे। चलो गाइस मम्मी ने ना कर ली सर सफाई, देख सकते हैं आप कैसे हैं, सब कुछ हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल कमरा क्लीन हो गया है। अभी चलते भाई, और बाइक का क्या हाल है, मम्मी भाई अभी सफाई कर रही है, ये बात तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी सफाई हो गई है बिल्कुल, और समेट भी है मैंने काफी ज्यादा, और ये अटैची जो है ना यहाँ से इसलिए बिखरा हुआ है, ये अटैची मैंने बाजी को खाली करके दिया था, तो फिर बाजी लोग बाजी मम्मा को लेके निकल दो अटैची इसलिए जो है ना आप भी इससे समेटेंगे, और मैं भाभी निशा को कह रही थी आओ तीनों घर की मिलके सफाइयां करते हैं, निशा का नाम लिया मम्मी निशा आई गई, हाँ वो मुझे पता है, तो तीनों घर के मिलके सफाइयां करते हैं, लेकिन भाभी निशा नाश्ता वास्ता कर रही थी, फिर मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी तो जाहिर सी बात है अब टाइम हो रहा है काफी ज्यादा, तो ये है कि कोई ना कोई आ जाता है तो गंद अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये बोल रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना फिर हमने जो है ना सब्जी लेने जाना, तो गाइस लोग तो चले जी यहाँ पे बाजी लोग तो चले गए, तो सुमेरा कैसा लग रहा है अभी बाजी लोगों के जाने के बाद, सुमेरा बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाजी चली गई, जरा भी नहीं अच्छा, क्यों घर घर ही नहीं लग रहा, क्योंकि बाजी और मैं दोनों लड़ती रहती है ना इसलिए। हाँ तो अच्छा मतलब आप बताती हूँ कि हम लोग लड़ते मुकाबला करती हूँ मैं, तो हमारी हमारी लड़ाई ऐसी थोड़ी होती है जैसे लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे के पास नहीं आते, हम इधर से लड़ते उधर से फिर ऐसे ही। अच्छा ये है और कुछ तो घर में रौनक नहीं है, बाजी भी बोलती रहती है, मैं भी बोलती रहती हूँ घर में, मतलब ये है कि एक दूसरे से कोई ना कोई बात करते रहते हैं, तो अभी उनके घर गई थी तो खामोशी है, क्योंकि सुमन नहीं है, बच्चे ट्यूशन है, तो तीन बच्चे तो बाजी ले गई है, कौन कौन, यशवा गया और छोटी दो बच्चियां दोनों वीरा, और अभी बाजी को मैं आपको बोल तो रही थी बाजी को कॉल करो कैसा सफर गुजर है, कॉल कर रहा हूँ, हाँ मैं करती हूँ कॉल, तो बाजी से पूछते हैं कैसा सफर गुजर रहा है आपका, लेकिन ये शुक्र है हम ये दुआ करते हैं बस छोटा सा लोग आपके अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।